पहल उठी। घटना सुबह की है। मुंबई क्राइम ब्रांच के कमिश्नर प्रभास कामे की दिन दहाड़े हत्या की गई। ताज़ा जानकारी के लिए घटनास्थल पर चलते हैं। आज जब एक्स कमिश्नर वॉक पर निकले तो पब्लिक के बीच किसी ने उनकी बड़ी दरिंदगी से हत्या कर दी। इस खतरनाक खूनी को खोजने में पुलिस जोर शोर से जुट गई है। उम्मीद है कि वो खूनी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा। आज की खास खबरें एक बार फिर से। पुणे की सुरक्षित यरवडा जेल से मृत्युदंड का एक अपराधी भाग निकला, जिसका नाम कमल कोकाते है, जिसने गुजरात की एक फैमिली के 3 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसे उसे फांसी की सजा दी गई थी। पर अब समस्या ये है कि साधारण जनता को कमल की हैवानियत का शिकार बनने से कैसे रोका जाए। इसके लिए महाराष्ट्र पुलिस और गुजरात पुलिस ने साथ मिलकर कमल कोकाटे की खोज करने का फैसला लिया है। चल रहे बोल रहे। अरे भाई साहब क्यों ठोक रहे हो? 10 मिनट हुए पैसा दिए, कुछ दे ही नहीं रहा। तुम्हें तो 10 मिनट हुए, मैं तो आधे घंटे से खड़ा हूँ। जल्दी बाहर, बाहर जल्दी। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है? तेरी तो चल चल बैठ बैठ। अबे देख कौन मुखा ठोक रहा है, कौन ठोक रहा है रे? तेरी तो कौन बोल रहा है? कल क्या देख रहा है? जल्दी बाहर। आगे बढ़ा तो ये जाएगा, वहीं रुक जा, आगे बता। हमें बचाने के लिए शुक्रिया सर। आप जगदीश, विजिलेंस ऑफिसर। शराब बेची जा रही है गांधी जयंती के दिन, और वो भी ब्लैक में है? सर बात कर, सारा पैसा इसमें भरो। लूज में बेचते हो, ब्लैक में बेचते हो, बल्क में बेचते हो। अकाउंट हेड ऑफिस में शो करो सर, और अपने पैसे लेकर जाओ। माफ कर दीजिए सर, कल जाने दो ना सर, प्लीज। जस्ट डू व्हाट आई से। चलो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट किससे करेंगे, ये तो ब्लैक का माल है। ये ऑफिसर लोग मूंछ क्यों लगाते हैं यार? क्यों मैं जेटली है? मजा आया ना? खाक मजा आया, मुझे क्यों पीटा? वो भी कांच की बोतल से, सर फूट गया होता तो। सॉरी यार, वो ओपनिंग सीन था ना, तो बिल्डअप के लिए मुझे। अच्छा अच्छा छोड़ दे, बाद में मेरे पैसे की पी लेना। नहीं पीनी तेरे पैसे की, इसका इंतजाम हो गया है, डबल मजा। अबे चुरा ली तूने? हाँ। 2 महीने के लिए इस एरिया में दिखाई मत देना। चलो फोटो। थैंक यू। क्या मास, इतना मुश्किल से प्लान बनाओ, वो भी 2-3 लाख के लिए, और आधा इन गधों को बांट दो, खाली पीली टेंशन। डोंट वरी, अगली बार के लिए मैंने करोड़ों का प्लान सोचा है। करोड़ों का? या किस गेटअप में? मास्क नहीं लगाऊंगा ना? मास्क को डाल दरिया में। स्टॉप स्टॉप। भाई भाई क्या हुआ बे? देखो नेवी बोट आ रही है, रुक जाओ वरना पंचर कर देंगे। बोट को वहां ले चलो। आने दे, वो लोग हमारा कुछ नहीं कर सकते। स्टॉप स्टॉप। अबे छोड़ रहे हो? Hey, किस चीज की स्मगलिंग कर रहे हो? ये सारे डब्बे चेक करो। hey, हम सब रेड्डी के आदमी हैं, हमने ऊपर तक पैसा पहुंचाया, निकलो यहाँ से। आवाज दो। साले तमीज नहीं है, सीनियर ऑफिसर से कैसे बात की जाती है? सर इसे थोड़ा लूं क्या? रेड्डी को पता चलेगा ना तो। रेड्डी हो या नॉट रेडी हो, कश्मीर टू कन्याकुमारी हर बोट हम चेक करते हैं। ऑफिसर चेक द बोट कम्प्लीटली एंड थरली। सर हम किसी से कम नहीं। टैक्सी नंबर 9211 अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में, पुंगी बजाऊं? और ये तो ठीक से चेक करो, कैबिन के अंदर देखो। सर यहाँ देखिए, पैसों से भरा बैग। मिस्टर शंकर मलिक, सॉरी अनु महादेवन। आदेश। देखो ये बोरी हिल रही है, अभी देखता हूँ। सर ऑफिसर अर्नोल्ड सर। ओ गॉड ऑफिसर, इन्होंने पकड़ कर मुझे बहुत मारा और बोरे में बंद कर दिया। ये लोग आतंकवादी हैं। ऑफिसर इन्हें मत छोड़ना, ये लोग देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वंदे मातरम। सर वो पानी में छलांग मार कर भाग न जाए। ए, निकले, भागो, भागने मत दो। पकड़ो उन्हें। ये अपनी लग गई यारो। किसके लिए जान? देखो ये गली का छिछोरा तुझे ऑफिसर लगा था। चल बता बे, वो दोनों कहाँ मिलेंगे? अपने घर पर। अपने घर में
हे आगे हे पीछे हे दाएं बाएं जाए सारी ये राहें मेरे ही पीछे आए। अब कुबेर का मैं हूँ प्यारा, हाँ चर्चे चारों ओर चोर मचाए शोर, अब लाखों का मैं दुलारा। मन की बात मैं जानो, अपने ही दिल की मानो, कोई कुछ कहे मैं ही बॉस हूँ। आंधी से आया मास 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 मास, तूफान से आया मास 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 मास, आंधी से आया मास मास मास, तूफान से आया मासे है सबसे हटके मासे, आंधी से आया मासे है गर्जे पर से मासे, खुशियाँ लाया मासे है सबका सपना मासे, है हाथों में जादू सोना बनाए लोहा से। लटका होगा नहीं मैं गांधी, फिर भी राशन हर एक घर चौराहे पे, इतना फेमस के प्रॉब्लम है घूमने के लिए, दोस्त मेरा कभी भी ना साथ छोड़े जिंदगी भर। लाइफ का क्या कुछ फिक्स नहीं, पैसों का क्या कोई जिंक्स नहीं, कभी हाँ कभी ना कभी चीज कभी ईज, वी आर नॉट वरीड, होगी पीस। तूफान से आया मास 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 मास, आंधी से आया मास 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 मास, तूफान से आया मास 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 मास, आंधी से आया मास 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 मास। क्यों फाड़ रहा है, क्या हुआ? अरे चल चल हीरोइन को बाद में देख लेना, हमको लेट हो रहा है, मुझे एक और मिनट देख लेने दे। अरे नहीं भाई, अरे नहीं है, चलना। हेड नर्स की दादागिरी से तो अच्छा है माननी तुम हेड नर्स बन जाओ। मेरी हीरोइन यहाँ पोस्ट मिलनी तो चाहिए। ए, वो चर्च वाला लड़का हमारे पीछे है, पता नहीं हमारे पीछे क्यों पड़ा है, तू उसकी तरफ ध्यान मत दे। हटो अबे अंकल, हटना। अबे क्यों मचमच कर रहा है, क्या माल है? कल से मेरे गले में बहुत खराश है, उसकी क्या वजह हो सकती है? वेरी सिंपल, ये दारू का असर है, दारू छोड़ दो ठीक हो जाएगी। हड्डी कहीं की, ये हॉस्पिटल यहीं आएगा या आगे अगला? कुत्तों का हॉस्पिटल है। तुझे तो रेबीज के इंजेक्शन लगाऊंगा। कहाँ है वो, तू जानता है कि उनको? माननी मेरे पास सिंगम 3 की पायरेटेड डीवीडी आई है। हेलो, हाउ आर यू? देख रही हो, ये तो हद हो गई, वो लड़का यहाँ तक आ गया। तू बस चुपचाप चलती रहना, तू उसे कुछ बोलना मत। हेलो, कैसी हैं आप? उस दिन बस में मिले थे ना हम, आप इस स्कूल में पढ़ाती हैं? नहीं, ये स्कूल नहीं, ताज होटल है। क्या जोक मारती हो तुम, बिल्कुल जोकर हो। थैंक्स, चलो बहुत काम है, चलो।
ए कुंग फू पांडा, डेविड कैसा है? डेविड, डीवीडी पायरेसी के केस में पुलिस पूछताछ कर रही है ना उसकी? हा? जूली, ये क्या कह रहा है? कुछ नहीं, मैं बस अभी आती हूँ। अरे तुम आजा छोटा भीम, आजा। तो डेविड तेरा भाई है? सही कहा, डीवीडी पायरेसी करता है, वही जिसे विशाल ने पकड़ा है, वही। प्लीज तुम सबके सामने मत कहो ना। अभी भी जेल में है क्या? वो अस्पताल में है, पर ये किसी को मत बताना। एटीट्यूड फेंकना बंद कर, लाइन क्लियर कर। कल का क्या प्रोग्राम है? हॉस्पिटल जाना है। जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगी। ठीक है, जो भी प्रोग्राम बनता है फोन करके बता देना। बता दूंगी, जा। चलती हूँ। जी कहिए। करण घर पे है क्या? आप रुकिए, मैं बुलाती हूँ। भाई ये वो लड़का। अचानक यहाँ का प्रोग्राम क्यों बना लिया? बस यूं घूमने का मन था। अरे अरे, हाय, व्हाट अ सरप्राइज, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? नहीं, वो मैं यहाँ माता का मंदिर है, उनके दर्शन करने आया था। वीकडेज को तो बस ऑफिस ऑफिस चलते रहता है, एक संडे ही मिलता है जिसे मैं अपने तरीके से बताता हूँ। क्या हुआ? अरे ये सॉन्ग तुम्हें भी पसंद है? इसमें पूछने की क्या बात है, इनका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनके मुकाबले का म्यूजिक डायरेक्टर है ही मुझे भी वो बहुत पसंद है। अच्छा? लेकिन इस बात पर सब मजाक उड़ाते हैं। छह, ये सब बेसुरे हैं। यार रहमान का वो गाना याद है आपको? साथी हाथ बटाना। अरे? साथी, ये AR रहमान का सॉन्ग थोड़ी है। उनका भी है ना एक ऐसा, उसकी ट्यून बिल्कुल ऐसी है। तुझे सलाम। हाँ यही है। जब भी मैं ये गाना सुनता हूँ मुझे नींद आ जाती है। और जब मैं वो गाना सुनती हूँ तो मुझे अपनी माँ की गोद का एहसास होता है। लेकिन मुझे ऐसा कोई एहसास नहीं होता। ऐसा क्यों? माँ नहीं है ना, छोटा था तभी वो। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन ये गाना सुन के मुझे म्यूजिक डायरेक्टर की गोद में सोने का मन करता है। अरे मैं सच कह रहा हूँ, ये गाना ही कुछ ऐसा है। क्या हस्ती है यार। ये रेड्डी ने किसका फोटो भेजा है? पता है क्या मास्क यही है? पता नहीं भाई, बोल ले। माँ ने नी, टेंशन क्यों ले रही हो? 3.5 लाख ही तो है, हम जमा कर लेंगे। ऐसे मुंह लटकाए कब तक रहोगी? कम ऑन, चीयर अप। हाय माननी, आई एम मास। मेरा नाम तो सुना होगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। यहां आसपास तुम जैसी कोई नहीं है, तुमने दिल को छू लिया। And I'm in love with you. Hey, Mas, पुराना डायलॉग कितनी बार घिसेगा? कुछ नया सोचना। कुछ नया? Yes. तो फिर उस बस स्टॉप पे पहुंच के मेरे मन में उसे देखकर जो आएगा जो बोल देना। जा। Hi girls. Hello. क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लग तो नहीं रहा। ये तो वही है। Actually कल कुछ ऐसा हुआ। मुंह बंद कर। बोलो क्या हुआ? यहाँ किसी ने छेड़ा, या बस में, मोहल्ले में, या फिर घर पर? मुझे कहो, मैं ठीक कर दूंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तो इतनी उदास क्यों हूँ? भाई वो लड़का मिल गया। डियर कम नियर, एक बात बता, ऑपरेशन करते वक्त घड़ी पेट के अंदर ही रह गई क्या? कुछ भी। जाना, गाड़ी के पास खड़ा रहे, यहाँ बात चल रही है ना, बीच में टांग मत अड़ा। सॉरी भाई। बोल क्या हुआ? मानिनी हेड नर्स की पोस्ट के लिए ट्राई कर रही है, और 2 दिन पहले जब वो डीन के पास गई तो उसने कहा, इस पोस्ट के लिए राशन से भी लंबी लाइन है, लेकिन ये पोस्ट मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। 3.5 लाख ले आओ और हेड नर्स की पोस्ट ले जाओ। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? हॉट हो इसलिए कंसेशन दिया है, वरना इस पोस्ट के लिए ओबामा की भतीजी 10 करोड़ लेके 10 बार चक्कर काट चुकी है। हमने हर जगह ट्राई कर लिया मगर कोई हमारी मदद नहीं कर रहा, और इसीलिए वो टेंशन में। चुप कर, तुम इसकी बातों को सीरियसली मत लो। क्यों नहीं, अपनी दोस्ती के आगे 3.5 लाख क्या है? मैं अभी इंतजाम कर दूंगा, मेरे दाएं हाथ का खेल है, बस 2 घंटे का वक्त दो, पैसे तुम्हारे घर पर पहुंचा दूंगा, तुम अपनी जॉब कंफर्म समझो। नहीं, मैं इसका इंतजाम कर लूंगी, तुम रहने दो। नहीं मानिनी, लव में इतना चलता है। क्या हुआ, प्यार है ना?
जब से तुम्हें पहली बार देखा है तब से तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। उस प्यार को कबूल करने के लिए ये तोहफा ले लो, ले लो। मानिनी बस आ चुकी है। चली क्यों गई? ओहो, वापस आ जा, पीके गम बुलाते और बिरयानी खाते हैं। चलो तुम दोनों को भिखारी बनाता हूँ, चल। आज तक कभी बाप ने थप्पड़ नहीं मारा, इसने मारा। रेडी, तेरा पैसा मेरे पास रेडी पड़ा है, लाके देता हूँ ना। क्या बे, खुद को अनिल कपूर समझता है? नहीं, उससे भी बड़ा। अच्छा, सारा शहर मुझे मांस के नाम से जानता है। अब लोग इज्जत देते हैं तो मैं वो लेकर रख देता हूँ। तेरी तो, तू मांस है तो मैं बदमाश हूँ, समझा कर साले? चिकने, अबे एक को अभी उड़ा दे, पैसे मिलते दूसरे को भी उड़ा डाल। ठीक है, और शाने ये कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अबे मैं सब संभालूंगा, आप टेंशन मत। छोड़ उनको, पास आया तो काट दूंगा। भाई को कुछ हुआ तो देखना। ए, दो धारी छुरी हूँ, जहाँ से छुओगे खून निकलेगा। छोड़ भाई को, पीछे हटो वरना काट दूंगा। मुझे बहुत भारी पड़ेगा। चल तू बच के ले जा सकता। अरे हट हट। लिफ्ट देखा? मैं जल्दी, तू नहीं आता तो मैं संभाल लेता हूं उन्हें। तलवार है, दो धारी तो मैं भी हूँ। कहाँ गए वो लोग? बैठ के गिन लेना आराम से। अरे पूरे ही होंगे यार, गिनने का टाइम नहीं है। ओके ओके, अरे चलो फिर आ गए। अरे भागो भागो, पीछे पीछे पीछे, भाग ले भाग ले भाग ले। मैं संभालता हूँ, तू उन्हें संभाल। Ah!
क्यों? अरे पीछे मैं हूँ, गोली लगने की चांसेस मुझे ज्यादा है। जमकर जमकर भगा भगा, हाईवे पकड़ हाईवे। हाँ बच गए बच गए, वरना आज तो ठुक जाए। यार तू खामखा, लाइसेंस किसने दिया तुझे? तू अपना मुंह बंद रख, अब बोल कहाँ जाना है। एक काम करते हैं, गोवा चलते हैं, फ्रेश हो जाएंगे। वहाँ बहुत सारे बीच है, कहीं भी डुबकी लगा लेंगे, तेरी हीरोइन को भी ले ले, वहाँ कोई भी हमें ढूंढ नहीं पाएगा। गोवा चलना है? हाँ। मगर मानी नहीं राजी होगी। होगी क्यों नहीं, हनीमून पे थोड़ी ना जा रहा है, उसे बोला पिकनिक पे जा रहे, बस फाइट चेस करके दिमाग का भाजीपाला हो गया। देख क्या हुआ है? नहीं, पुलिस पुलिस पुलिस। से यहां पे रुकेंगे तो मैटर और लंबा हो जाएगा, चलो निकलते। जेटली मास, पैसा पैसा कहाँ है? पैसा पुलिस आकर लेकर गई, एक्सीडेंट के दूसरे दिन आकर लेकर गई। पुलिस ले गई दूसरे दिन? हम हॉस्पिटल में कितने दिन से हैं? यही कोई 7-8 दिन से होंगे हम लोग। 7-8 दिन? कितने थे? 6.5 लाख रुपए थे। लाइफ सेट हो जाती, हॉस्पिटल का बिल कैसे भरेंगे? अरे मास, ये देख सामने से रेड्डी आ रहा है। भाई प्रिंस का फोन है। रेड्डी यहाँ क्यों आया? हमें ढूंढ लिया लगता है। ए, मुझे हॉस्पिटल में चेक तो करा लेने दे। चल भाग भाग। मास भाभी, रेड्डी आता ही होगा। भाभी को अगर जिंदगी भर मिलना है तो अभी निकलना होगा। अबे मरवाएगा, चलना। हीरो हीरोइन के बीच विलन जरूर पहुंच जाता है। पता नहीं वो कहां गया होगा। अरे ये कहां से टपका? बस टाइम है। टाइम क्या, कितने बजे है? अबे टाइम क्या पूछ लिया, ये तो ऐसे घूर है जैसे भूत देख लिया। जानते इसे टाइम देखने नहीं आता होगा। चल चल। अरे गाड़ी में देख के चलाना, छोड़ दूंगा। चले आते हैं, चल निकल। ठीक है जा। एक्सक्यूज मी, हेलो, दो चाय देना कड़क। किसी पिटी दी जरा, एक मिनट हटना। ये तो ए देवा। ए छोटे, देखो मुंह धो रहा है। अजूबे देख वो रहा। वही वही आदमी है। जेटली बोल। रेड्डी के आदमी हमें मारने के लिए आ रहे हैं। क्या बात कर रहा है, कहाँ है? 1 से 3 गिनूंगा, भाग ले। 1, 2, 3 भाग। बहुत स्लो काउंटिंग करता है। अबे पहले क्यों भाग गया? 3 मुझे बोलना था। जल्दी आ जा, चल जा। ए मुझे पकड़ोगे? आओ आओ पकड़ के दिखाओ। दरवाजा बंद करना।
रात को यहीं रुकते हैं, सुबह होने से पहले निकल जाएंगे। अरे इधर का भाड़ा बहुत होगा, अपनी जेब में पैसा नहीं है। ए, जेटली, हाँ? मुझे लगा वहाँ कोई है। अरे कोई नहीं है, सो जा। ए, जेटली खिड़की बंद कर रहे हैं यार। ए जेटली, जेटली क्या हुआ? रेड्डी के गुंडे आए। अयो, यहाँ का एड्रेस किसने दिया? पैसे भी नहीं है देने के लिए। चलो चलो भाग चलते हैं, चलो। अब मैं नहीं भागूंगा। क्या बे, क्या चाहिए? पैसा? रेड्डी ने भेजा है ना तुम्हें? पैसे के लिए हमें मारने आए हो? मेरे पास पैसा नहीं है, पुलिस सारा पैसा ले गई, कमिश्नर के घर पे पड़ा है पैसा, उसे फोन करके बुलाऊं? सुनाई नहीं दिया क्या? आगे क्यों बढ़ रहे हो तुम लोग? तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। बस अंदर एक भूत भी है, तेरे पीछे भी भूत खड़े हैं, भाग जल्दी। मैंने कहा था ना तुझे, भूत मंदिर में नहीं घुसते। सही है जेटली, लेकिन यहाँ से बाहर निकलेंगे तब। तू यही सोच रहा है ना कि तेरे साथ क्या हो रहा है? तुझे मुर्दे दिखाई दे रहे हैं ना, बोल। स्वामी जी, आप हमसे कुछ कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पिछली रात भूतों ने हमें... ये सब भाग्य का खेल है बच्चे, तेरे भाग्य का। तभी तो तू उन मरे हुए लोगों की आत्माओं को देख पाता है। तेरे लिए ये वरदान है, भाग्य का वरदान। स्वामी जी, ये मुझे नहीं चाहिए। भूतों को देख पाना कोई वरदान है क्या? इसे हटा दो। ये शक्ति उसने दी है,
बच्चा वो भूत नहीं, आत्माएं हैं। वो तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम्हें उनकी अधूरी इच्छाएं पूरी करनी होगी ताकि वो मुक्त हो सके। ऊपर वाले की यही मर्जी है। अधूरी इच्छाएं उन आत्माओं की? वो मार देंगी मुझे। आपने नहीं देखा उन्हें, आपको पता नहीं वो कितनी भयानक है। तुम खुद मौत के मुंह से बाहर निकले हो, फिर मुर्दों से क्या डरना। तुम्हें उनकी मदद करनी ही होगी। क्या तुमने एक बार भी ये बात सोची कि तुम्हें ये शक्ति क्यों मिली? किसी और को ये शक्ति क्यों नहीं मिली? सोचो, हर एक बात का कोई ना कोई कारण होता है। ऊपर वाले ने तुझे चुना है उनको मुक्ति दिलाने के लिए। उनसे घबराता क्यों है? ऊपर वाला तेरे साथ है, तू इससे बच नहीं सकता। ये तेरी नियति है। अपने दिमाग को केंद्रित कर। ये बालक तेरा दोस्त है ना? हाँ। अच्छा बच्चा है, ख्याल रखना, ये तेरी परीक्षा की घड़ी है। हिम्मत रखना, हिम्मत रखना, सब भला होगा। बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। छे, तू ध्यान मत दे यार, पता नहीं कुछ भी बकरा। अपने दिमाग को केंद्रित कर। ऊपर वाले ने तुझे चुना है उनको मुक्ति दिलाने के लिए। यहाँ एक लाल टी शर्ट वाले को देखा है क्या? कहाँ जा सकता है? इतने लोग हैं यहाँ, कहाँ जा सकता है? अरे कहाँ कहाँ ढूंढेंगे उसे, पता नहीं कहाँ चला गया। ए, जटली, हाँ? मेरे पास एक आइडिया है। सर, सर, समझ रहे सर। यहाँ पर तुझे सारे इंसान ही लग रहे ना? हाँ, इंसान ही है, पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अरे बाप रे, ये क्या, किसका फोन है? जो रोता हुआ गया ना, हाँ? उसी का फोन है। तूने पर्स भी चोरी किया? क्यों बे, बाप का होटल है, बिल कौन देगा? ओके ओके ओके, लेकिन इंसान कौन है और भूत कौन है पता कैसे चलेगा? मैंने ना एक इंग्लिश पिक्चर में देखा था, हाँ? भूतों की कैमरे में फोटो नहीं आती। ओह, टेस्ट करके देखें? हाँ, करते ना। मास, अपने पीछे देख, वो हरी शर्ट वाला, उसकी शक्ल बिल्कुल भूतों जैसी है। ले ले, उसका फोटो ले। ये क्या, पता चल गया, हरी शर्ट वाला इंसान है, सफेद शर्ट वाला भूत है। फोटो में वो है ही नहीं। ओ, इंसान से भूत अच्छा दिखता है। हमारी इस बात पर कोई यकीन ही नहीं करेगा ना। किसे बताएंगे तो वो हमें पागल समझेंगे। ए, ओके। आंटी इधर ही देख रही है। आ? उसकी फोटो लेता हूँ। ओके ओके, रेडी। एक मिनट, जरा बंठन लेता हूँ। स्माइल। अच्छा। दोस्त, मैं मर गया क्या? बोलना मास।
मैं यहाँ मरा हुआ बैठा हूँ और तू मस्ती में दारू पी रहा है। ए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, दिमाग ब्लैंक हो गया। इसके साथ चकना भी लाना। असली लाइफ तो तू जी रहा है, दारू नहीं, सिगरेट नहीं, नहाना भी नहीं, क्या लाइफ है ए? तेरी जिंदगी में कोई झंझट ही नहीं है। किससे बात कर रही है? अपने मरे हुए दोस्त से ऐसे बात करता है तू? तेरे में कोई फीलिंग है कि नहीं है? ए, तू मुझे दिखाई दे रहा है ना, अगर तू मेरे आजू बाजू नहीं होता तो मुझे फीलिंग आती ना। यहाँ तू मेरे साथ बैठा है, किससे बात कर रहा है? कैसे पीऊँ मैं तो मर चुका हूँ ना। आइडिया, जैसे मरे हुए लोगों का श्राद्ध करते हैं, वैसे तू मुझे दारू और चकना देना यार प्लीज। हैं? ये ले, खा ले, ले ना, उठा ले। अरे यार, सामने की दारू नहीं पी सकता और ऊपर से चकना चाहिए। उस पे भी हाईलाइट ये है कि खुद भूत होकर भूतों से डर के भाग रहा था। ए, वो सारे गंदे और डरावने भूत थे, मेरी तरह पैरन हैंडसम नहीं थे ना। ए, इधर आ, जो दारू उसको दिए वो मेरे को भी ला के दे। या ए, रात को कुत्ते पागल हो जाते हैं। वो देख कपल, कार की डिक्की पे खुद की डिक्की टिकाए हुए हैं। तो कुत्ते भूतों के पीछे भागते हैं? मतलब कुत्तों को भी भूत दिखाई देते हैं, इसलिए ये यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। कई दिनों से कुत्ते मुझ पर भौंक रहे थे। अच्छा, वो मुझ पर नहीं तुझ पर भौंक रहे थे। हाँ? इंसानों को पता चला तो क्या हो जाएगा? अगर किसी को पता चला तो शहर छोड़कर भाग जाएगा, थिएटर में नाइट शो तो बंद ही हो जाएगा। हाँ, मजा आ जाएगा। ए, क्या है? वो माननी है क्या? लग तो वही रही है। हाय, कैसी हो इतनी रात को? हाय, यहाँ कैसे? हम तुमसे मिलने तुम्हारे घर ही गए थे, लेकिन वहाँ ताला बंद देखा तो बस वापस घर जा रहे थे। ओह, फोन करके आज, सॉरी थोड़ी सी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, दोस्त के चले जाने पर गम तो होता ही है, मैं समझ सकती हूँ। मेरा इतना अच्छा दोस्त। अरे अरे बस, अरे अपने आप को संभालो, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ ना। शुरू हो गया, क्या करूँ, रोता क्यों है इतना, ड्रामा क्यों कर रहा है? अरे अरे, अपनी फीलिंग शेयर करनी है तो मेरे साथ करना। अरे मेरे नाम पे चांस क्यों मार रहा है? प्लीज मत रो, हम सब तुम्हारे साथ है ना। मैं हूँ ना। सॉरी, क्या कहा तुमने, रिपीट करोगी? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। सच कह रही हो सकता है हम दोनों को एक करने के लिए जेटली वहाँ ऊपर चला गया। हाँ, ऊपर चला गया हूँ तो तेरे सामने कौन है? अगर जेटली हमारे बीच होता तो वो बहुत खुश होता। तो क्या दुखी दिख रहा हूँ? कटले जेटली, जवाब देना। जा जा। अच्छा तो मैं चलती हूँ, तो कल हॉस्पिटल में मिलते हैं। वहाँ नहीं, ये अब हॉस्पिटल नहीं जाती है। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें बताया था ना, वो डीन इस पोस्ट के लिए घोष मांग रहा था और तुमने वादा किया था कि तुम, और फिर ये हादसा हो गया। तेरी तो... कितना पैसा? 3.5 लाख। कोई नहीं, हो जाएगा, दो दिन का वक्त दे दो, मैं कर दूंगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उसकी चिंता मत करो। नहीं, मैं करता हूँ ना। आ, कर लेगा। डोंट वरी। थैंक्स। हाँ, बाद में मिलते हैं। कहाँ से लाया जा रहे तू? 3.5 लाख कहाँ से? चुप है। क्या प्लान है? 3.5 लाख, दो दिन में। हाउ? बैंक से लोन लेगा क्या? या फिर बाइक बेचेगा? बाइक बेचेगा तो 2 अंडे आएंगे। चलो सोचते हैं, दोनों मिलकर सोचेंगे तो रास्ता निकलेगा। बट मुझे लगता है कि इट्स इम्पॉसिबल। हंस क्यों रहा है? कोई आइडिया आया? बता ना, मुंह खोलना। अरे बोलना। अजूबे, बेड पर क्या कर रहा है? योग कर रहा हूँ गधे, योग। ओंकार स्वरूप सदगुरु समर्था। बहुत ही अच्छे योग गुरु, चलो मीटिंग करते हैं। ओके। ए मोटे, कर क्या रहा है? सूंघकर इसका स्वाद ले रहा हूँ। कॉमेडी बंद करो और चल। अबे
डराता क्यों है? मास मीटिंग स्टार्ट कर। सब लोग आ गए ना? हाँ, भूत पलटन आ गई। ठीक है, जेटली शुरू करें। हाँ शुरू करते हैं। बैठेगा नहीं, बैठेगा नहीं, खड़ा खड़ा खड़ा, फोल्ड योर हैंड्स, हाथ बांधो हाथ बांधो हाथ बांधो, फोल्ड योर हैंड्स। कितना फालतू बिल्डअप देगा बे? अपने आटे में ले रहा हूँ सबको। तो भाई लोग सुनो, मैं जानता हूँ तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तुम्हारी जो अधूरी इच्छाएं है ना, वो तुम मेरे जरिए पूरी करना चाहते हो। सही कहा ना? तो चलो मैं तुम लोगों की इच्छाओं को एक एक करके पूरी कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा काम करने के बदले मुझे क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलेगा? क्या बोला यार? पुण्य लेके चाटूंगा क्या? तुम तो भूत हो, तुम्हें खाना सिगरेट दारू ये सब नहीं चाहिए, पर मुझे तो चाहिए ना। मुझे भूख लगती है यार, नंगा रह नहीं सकता, रहने के लिए घर चाहिए और अपने धंधे में विलन से लड़ने के लिए लव स्टोरी भी जोड़ना। हाँ, और लव करना तो तुम जानते हो कितना महंगा हो गया। यस ऑफ कोर्स। हाँ, इसीलिए फर्स्ट इनिंग में तुम मेरी हेल्प करो और सेकंड इनिंग में मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा। बेस्ट डील, काम करने में मजा आएगा। सेल्समैन चुप कर, तू चुप कर, इसके चक्कर में पड़ेगा तो कहीं का नहीं रहेगा। सही कहा, हम तो इसकी मदद कर देंगे, लेकिन ये हमारी मदद करेगा इसकी क्या गारंटी है? अगर ये बदल गया तो हम तो गया, चला गया। मुझे उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मोटे, उसने हमारी मदद का वादा तो किया है। तो क्या हुआ, ये हमारी मदद करेगा कैसे? यस, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन राइट सेक्शन 407। छी, चुप कर, मैं तेरी बात कर रहा हूँ ना, हमेशा रोती रहती है, चुप कर। रोने से अच्छा उसकी बात मान लो। तेरे कहने पे उसकी बात मान ले। अरे अबे हिनहिनाना बंद कर। अबे आपस में लड़ना बंद करो। अरे कंधे पे क्या बिठा दिया? तुम लोग सर पे चढ़ के नाचोगे? तुम सब भूत के भूत ही रहने वाले हो। या, he's right. अगर तुम सब मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारा काम करूंगा, वरना निकलो, निकलो यहाँ से। जेटली इनको बोल यार, निकाल इनको यहाँ से। टेंशन नहीं, तो तय रहा, जो मास्क की हेल्प करेगा वो हमारी तरफ आ जाए। पार्टी बदलो गद्दार कहीं का। जनाब नाम क्या आपका? श्रीपति। श्रीपति साहब हमारी तरफ से हैं। कम ऑन गाइस, ये कितने तमीज से बुला रहा है हमें। प्लीज कम, आ जाओ इधर, मान जाओ, मान लो इसकी बात, आ जाओ। साला ये भी। एक बात बताओ, क्या हम नहीं चाहते इंसान हमारी मदद करे? ऊपर वाले ने इसे हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। ये उसकी मर्जी है और तुम उसे ठुकरा रहे हो। उसको नाराज मत करो, अच्छा होगा हम इसकी बात मान ले। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल ठीक है बुड्ढे, तेरी वजह से हम लोग तैयार हो गए। इसके बाद अगर ये पलट गया ना तो देख लेना। हेलो, मेरे अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है? हमें शर्त मंजूर है। चलो धंधे पे लग जाते हैं। Hi, Doctor. My name's Casper. Can I help? मुन्नी बदना। खाना तैयार हुआ? हाँ अभी ला रही हूँ। अरे दो घंटे से यही सुन रहा हूँ, पेट में चूहे मेरा भेजा खा रहे हैं। देखो भूख के मारे पतला भी हो गया हूँ, जल्दी करो। क्या हुआ जी? भूत, भूख, भूख ने हंगामा कर दिया। पापा प्लीज साइन कर दो ना। देखो तो वाह, सुपर, 3-0, वेरी गुड, आई लव यू। घूर क्या रहा है? चश्मा निकाल निकाल। एक तू 0, दूसरी तेरी बहन 0, तीसरी तेरी माँ 0, घर में मैं ही हूँ एक हीरो। हीरो के घर में सब 0। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। गर्म पानी किसने चालू कर दिया? कोई लिख रहा है, दिख नहीं रहा है। 9600690096। यार ये नंबर किसका है? मैंने तो इसको मिस कॉल नहीं किया। जरा इस घर के मालिक को बुलाना।
गरीब हूँ। क्या हुआ बेटा, कुछ लेते क्यों नहीं? स्वामी, घर में टीवी को टांगे लग गई है, किताबों को पंख, थाली को घुंघरू और मुझे जुलाब। मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक होगा। अंदर आइए स्वामी, बैठिए ना। टीवी घूमता है? हाँ स्वामी। बॉस, वो तो मेरा ही काम था। थाली कूदती है? हाँ, बैठते ही थाली कूदने उछलने लगती है। वो मेरा आइडिया था, एक्चुअली वो आइडिया मेरा दिमाग में था। तुझसे किसी ने पूछा क्या? जब आइडिया मेरा था पंडित जी, वो मैं ही था जिसने इस पर खिलौने फेंके थे, तब जाकर इसकी हालत पंचर हुई थी। अब इस उम्र में मुझसे कुछ भारी सामान उठाया नहीं जाता, मेरी धड़कन बड़ी हुई है। अरे बुढ़े, तू तो ऑलरेडी मरा हुआ है, अगर झूठ बोलेगा तो नरक में। वो तेरी बाप की उम्र का है, अपने बाप से कोई ऐसे बात करता है क्या? अरे उसकी उम्र का कुछ तो लिहाज कर, फिर ऐसा बोलेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सड्डे नॉल रहोगे तो ऐश करोगे। शावा, ओए शावा। देर सारी आत्मा इस घर में घूम रही है, ऐसा लग तो रहा है। सुपर एक्टिंग, हमारी बात चल रही है। इसकी वजह है कि तुमने कई लड़कियों को नचाया है। बिल्कुल सही स्वामी, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? मिलेगा। पांच लाख लगेंगे। 5 लाख? टू मच स्वामी। ये कुछ नहीं देंगे, ये कंजूस है। आप मुझे बताइए स्वामी, आप जितने पैसे कहेंगे मैं दे दूंगी, पर आप इन भूतों को भगा दीजिए। जितना कहता हूँ उतना करो। अपने पूजा घर में हल्दी कुमकुम से सितारा बनाओ, उस पर चौकोर बनाओ, बीच में बेलन रखो। मेरी प्रार्थना की शक्ति से अगर बेलन सरक कर चौकोर से बाहर आया तो समझो घर भूत मुक्त हो गया। क्या डांस कर दिया ना? कौन है ये? कमाल है ना, कैटरीना कैफ है। मास, कितना टाइम लगेगा, काम शुरू कर दूं? हाँ करो करो, खेल खत्म करो। बॉस ने कहा खेल खत्म करो। बस और कुछ नहीं चाहिए, दक्षिणा लेते जाइए। आज से आपका घर भूत मुक्त हो गया, और इसके रिपोर्ट कार्ड पर साइन कर देना। ओके बेटा। थैंक यू। World out there. It is very, very scary. Bhoot bhoot to kuch bhi nahi. कैच किया तो मनी मनी, भूत भूत तो कुछ भी नहीं, कैच किया तो मनी मनी, मिल गई है ऐसी पावर, पॉट खोले तो हनी हनी। जादू कर ले तू, डर भर ले तू, फिर खुद जाकर ढोंगे साबन कर, युद्ध कर ले तू, भगा ले तू, अपने ही साथियों को 9-2-11 कर ले तू। आ जाओ मेरे पास, बन जा तू मेरा खास, मिटेगी तेरी प्यास, जैसा मैंने कहा सिर्फ वैसा कर लेगा तू। क्या है तेरे मन में, अधूरे हैं तेरे सपने, कहाँ है तेरे अपने, आके मेरे शरण में मुक्त हो जाएगा तू। स्वामी, स्वामी, पैसे चोरी हो गए, पैसे चोरी हो गए। जब मैं यहाँ आई तो बस इतने। क्या कह रही हो शांति? क्या करेगी? इस नंबर पे फोन करो।
नहीं करूंगा इसका टैली, ना रहेगा कभी खाली। कर लिया है एक इरादा, पूरा करूंगा मैं हर वादा, तेरी यादों का सहारा बनकर उससे ज्ञान पाकर। यूं गाए जा यूं झूमे जा, ना कर किसी का जिक्र, चल जाएगी ना आएगी पैसों की ये फिकर। भूत भूत तो कुछ भी नहीं, कैच किया तो मनी मनी, मिल गई है ऐसी पावर, कॉच खोल तो हनी हनी। आपके होटल का सबसे बेस्ट रूम चाहिए, दो दिन के लिए। देख रहा हूँ इतनी चुप क्यों? तुम भूत भूत में बिलीव करते हो? इसे कैसे पता चला? हमारे लव सीन को हॉरर सीन में क्यों बदल रही हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, भूत होते हैं या नहीं। तुमने किसी से सुना है क्या? तुमने देखा है या नहीं? भूत? मैंने तो कोई भूत नहीं देखा। बिना देखे उन्हें भगाते कैसे हो? इसे तुम जूली के अंकल के यहाँ भूल आए थे। मुझे बताओ भूतों से तुम्हारा रिश्ता क्या है? तुम मुझ पर यकीन नहीं करोगे, मुझे कुछ दिनों से भूत दिखने लगे हैं। मैंने कहा ना तुम्हें यकीन नहीं होगा। छोड़ो ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अरे धोखे की कमाई अच्छी नहीं होती। अच्छा वो डीन नौकरी के लिए घूस लेता है, तुम नौकरी के लिए उसे घूस देती हो, ये सब सही है लेकिन मेरा तरीका गलत है। हेलो, देखिए मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती, मैं वो काम ही छोड़ देती। ऐसे पैसों से क्या फायदा? देखो अगर मैं जूली के अंकल के पैसे वापस कर दूँ तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, इतनी सी बात की टेंशन लेती हो। पैसे देने के बाद तुम दोबारा यही करोगे, इसलिए नाटक छोड़ो। बचपन में तुमने बहुत बुरी जिंदगी देखी है मैं जानती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, नई जिंदगी शुरू करो, मान जाओ ना। हेलो, हाँ आप कहाँ हैं? एड्रेस दीजिए। हाँ ओके, हाँ ठीक है मैं पहुँचता हूँ, भरोसा रखिए। ये रिंग वापस रख लो। हाँ मैं अभी आता हूँ। बाय। हेलो, 10 मिनट में पहुँचता हूँ। जी फोन आप ही ने किया था ना? हाँ सर मैंने ही किया था। हाँ। आप ही है ना वो? सर हाँ चलिए अंदर। हम अंदर नहीं जाएंगे, वो पैसे देना, ये पूरे 3 लाख है। अगर आपको और चाहिए तो आप हमें बता देना, हम दे देंगे। चलो यहाँ से। ठीक है चलते हैं। ओए इतना डैमेज क्यों करते हो यार? ए जेटली
अब ये खेल बंद कर दे यार, मुझे ये सब पसंद नहीं है। ए चे, कितनी एक्टिंग करता है। ए सुनाई नहीं दे रहा क्या? गधा मुझे डरा रहा है। ए दमे तो बाहर निकलना। जेटली ए आना, जेटली। अच्छा समझ गया श्रीपति। ए कहां छुपे हो तुम लोग? जेटली ए क्या 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 कर रहे हो तुम? तू मास कहां यार तू है? ये कौन है? तेरा कार्बन कॉपी है। हाँ, कौन है वे तू? मैं जानता हूँ कि ये कौन हो सकता है। ट्विन ब्रदर्स बहुत ऊंचाई पर एक जगह है, माउंट आबू। तुम्हारे पिताजी तुम्हें वहाँ लेकर जाते हैं। वहाँ गुंडे आते हैं, हमला करते हैं, एक बच्चे को किडनैप करके वो लेकर जाते हैं। ए, चुप कर यार। ओए, बोलना कौन है? हमारी और तुम्हारी शक्ल इसलिए नहीं मिलती कि हम दोनों भाई हैं। हमारा नाम शक्ति है। हम तुम्हारे पास मदद मांगने आए हैं। ओह, मदद चाहिए तो फिर ठीक है, अगर बिछड़ने की कहानी सुनाई होती तो धुलाई कर देता। मदद ही चाहिए थी तो इतना ड्रामा क्यों किया? क्या ड्रामा किया? अबे लाइट ऑन ऑफ की, सीढ़ियों पे फुटबॉल खेला और उसके बाद मिरर से एंट्री भी मारी। अच्छा, थोड़ी देर के लिए तो मैं भी डर गया था। इतना ड्रामा करना है तो टीवी सीरियल कर ले। हेल्प चाहिए तो लाइन लगी है, लाइन में आना। जेटली इसे मदद मांगने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो समझा देना। शहाना बनता है। अरे भाई ऐसा कोई करता है क्या? भीख मांगने आए हो तो भाव क्यों खा रहे हो? हमारा मांस डेढ़ शाना है, उसका दिमाग मत हटाओ। एक काम कर दू, कल सुबह मुझसे मिलने आ जा, तेरा काम मैं कर दूंगा। मांडोली कर ले मुझसे, मैं सस्ते में डिस्काउंट देकर कर दूंगा। मारिया होटल शूट रूम आ जाना वहाँ पे। जूली के अंकल के घर पे पता नहीं वो पर्चा किसने जाकर डाला। किसने डाला? मोटी के पेट में कुछ रहता नहीं है, चुगली कर दी। भूतों से रिश्ता बनाया जा सकता है लेकिन लड़कियों से बिल्कुल नहीं। अरे ए, पागल है क्या? क्या कर रहा था? मर जाते तो। तू पागल है या बस पागलों जैसे एक्टिंग करता है? तू, तेरी तुम्हें मेरा भेजा फिर गया ना तो क्या? तो क्या? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? मास ज्यादा नाटक किया ना तुम्हें। हम जैसी अतृप्त आत्माओं को देख पाने के लिए भगवान ने जो वरदान दिया है उसका ऐसा इस्तेमाल कर रहा है। पैसा ही चाहिए था तो भीख मांग लेता। भीख मांगू मैं तेरी? तो अगर तू जिंदा होता ना तो फिर से मार देता। तुझे बोला ना हेल्प चाहिए तो लाइन में लग जा, पीछा क्यों कर रहा है बे?
किस चीज की खाई है तुझे? वैसे तो खुद चोरी करने, जेब कतरने, मारामारी करने में बहुत बड़ा महारत ही है, तो क्यों बेचारी आत्माओं को लोगों के घरों में भेजकर उन्हें पैसे हड़पने के लिए डराता है? अगर तू चालाक होता तो उन्हीं आत्माओं को घरों में भेजकर लोगों के लॉकर नंबर पता कर लेता, रातों रात करोड़पति हो जाता है। मतलब ऐसे लॉकर नंबर पता कर सकते हैं? जेटली तुझे ऐसा आइडिया क्यों नहीं आया? असल बात यह है कि जिंदा रहते जितना दिमाग रहता है मरने के बाद भी उतना ही रह जाता है। वैसे इसका आइडिया अच्छा आजमाना चाहिए, क्या कहते हो? हाँ अच्छा, हम जहाँ गए थे उसके लॉकर में कितना पैसा है? उसके लॉकर में कितना पैसा है हम नहीं जानते, पर जिस लॉकर की हम बात कर रहे हैं उसमें 750 करोड़ है। 750 करोड़ क्या फेंकता है साला? कहाँ? गोवा में। अयो क्या बे? सर इतना लंबा क्यों जाना, नजदीक में कुछ नहीं है क्या? ए चुप। गोवा में एक खास धंधा हवाला के बिजनेस के जरिए चलता है। यहाँ काले पैसे को सफेद करने के लिए हवाला के जरिए लाया जाता है। पुलिस, पॉलिटिशियन, सरकार, ये सब इस रैकेट को जानते हैं, लेकिन सब ने आंख और कान बंद कर लिए हैं, क्योंकि वो भी अपने काले पैसे को सफेद कराने के लिए यहीं पर आते हैं। ये है एंथोनी, इस शहर का हवाला किंग। इसकी इजाजत के बिना हवाला का एक भी रुपया ना तो इस एरिया के अंदर आ सकता है ना ही निकाला जा सकता है। इस हवाला बिजनेस से आने वाले पैसे का कमीशन करोड़ों रुपयों में है। ये है उसकी फूड स्टोरेज फैक्ट्री। हवाला के बिजनेस में दूसरे शहरों से जितना भी पैसा आता है उसे यहीं पर छुपाया जाता है, और जो पैसा हमें चुराना है वो भी यहीं पर है। आरके का फ्लाइट कितना बजे आएगा? मैं 11:30 सर। कौन सा फ्लाइट? जेट एयरवेज 7683। चलो। ओ, कितना सारा पैसा, नोटों का बंडल कभी पहले नहीं देखा। अरे आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले जब मैं जिंदा था? मरने के बाद ये किस काम के? ओ सर अब बहाने सर पायला को सर मां वहाँ बहुत सारे पैसे हैं। तूने सच्ची में देखा क्या? झूठ बोल रहा हूँ क्या? मुझे दुख हो रहा है, मैं मर क्यों गया? अनगिनत पैसे हैं, मैं उन्हें छू भी नहीं पाया। पैसा लपेट के फौरन झटक लेते हैं, है ना? वो सारा पैसा तुम्हारा नहीं है, हमारा 50 तुम्हारा 50। हाँ जैसा आप बोलेंगे सर। जैसे ही पैसे तुम्हारे हाथ लगेंगे सबसे पहले तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे। बस क्या सर, हम यही तो करते हैं, आपके लिए नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना? करेंगे। अच्छा वैसे लूटने के लिए हम घुसेंगे कैसे? रात के 8 बजे के बाद सिक्योरिटी गार्ड कम हो जाते हैं, अपना काम करने के लिए वो वक्त बिल्कुल सही है। अरे मैं पकड़ा जाऊंगा। तू तो भूत है ना, तुझे कैसे देखेगा? जाके देख। सॉरी सॉरी भूल गया था, मैं भूल गया था। चल छुप जाओ उस तरफ। मास यहीं रुको। जेटली हा? चलो। मास 50% तू इसे देगा क्या? डील को मार गोली, पहले माल तो हाथ लग जाए। 100% हमारा, भूत 50% का क्या करेगा? अरे अरे कोई आ रहा है, छुप जा छुप जा। दादा इधर सब कुछ सेफ है मैन, घबराने का नहीं, अपन जल्दी मिलता है, बाय बाय। तू जिंदा रहेगा तब ना। मुझे खींच रहा है, मजा आ रहा है, मेरे को तो मजा आ रहा है, ठंडी हवा लग रही है, फिसल रहा हूँ, हाय हाय, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, आई एम सुपरमैन, मजा आ गया। मैं फैक्ट्री में वेट कर रहा मैन। ओके मैं आता हूँ, 20 मिनट लगेगा। कहाँ चले गए थे? तुम्हें वहीं रुकने कहा था ना, यहाँ क्यों आए? चलो लॉकर के पास। चलो चलो मास उसके पीछे चलो, वहाँ पैसे हैं पैसे। यही जगह है क्या? 7693 दबाओ। मैंने तो उस समय 7683 देखा था। बहस मत करो, 7693 दबाओ। ये क्या कंफ्यूजन है? देखो मैं कह रहा हूँ ना, 7693 दबाओ। 7693 ऊपर जाके लॉकर चेक करो।
ये तो कुबेर का खजाना है यार, क्या नोट है, इससे तो पूरी दुनिया घूमेंगे मेरे भाई। मास क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। ए, तूने गलत नंबर क्यों दिया था बे? जल्दबाजी में गलती हो गई, वो लोग यहीं आ रहे हैं। मास ये पैसे छोड़ो, अपनी जान बचा। हो गया, 1 करोड़ और भर लो। मास रेड्डी के लोग आ गए। ए जल्दी भाग उठा, पीछे छूट गया। घबराओ मत, वो हमारा पैसा है, हम फिर आएंगे, पहले अपनी जान बचाओ। चल झूठ बोलता है, पहले यहाँ से निकलो। सारे पैसे में पानी, भाग। जुड़वा का बच्चा करोड़ों चले गए। Hey, who are you? कौन है तू? मॉस, अब क्या है? इस कार में बैठो, तुझे बाद में देख लूंगा। जेटली पैसे भी नहीं मिले और फाइटिंग भी करनी पड़ी, तू जल्दी गाड़ी भागा। इसको यहाँ से निकाल। गाड़ी की हेडलाइट ऑफ कर दो। क्या, हेडलाइट ऑफ करूंगा तो गाड़ी कैसे चलाऊंगा? वो तुम हम पर छोड़ दो। अरे ये तो ऊपर है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चलूं? सीधे चलो। वो सीधे चले को कह रहा है। कहाँ चलूं? सीधे चलो। अरे सुनना मेरे बाबू की। अब राइट लो, राइट ले, राइट ले, लेफ्ट 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 लेफ्ट। लाइट ऑन करो, हेड लाइट ऑन करो। ये क्या हो गया? अरे चल चल, अरे जानते हैं जानते हैं, हम दोनों पकड़े जाएंगे, जल्दी चल जल्दी। हमारे वापस आने के बारे में तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, और मुझसे ऐसी मुलाकात होगी ये भी नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं आ गया। अब ये मेरा जानलेवा खेल है। मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो सर, सर मुझे माफ कर दो सर, प्लीज सर मुझे माफ कर दो, फिर ऐसा नहीं होगा, प्लीज सर। अच्छा तुझे माफ कर दूं? जब शेर सिंह जैसे डॉन ने मेरा पैसा चुका कर अपना काम कर दिया तो तेरी क्या औकात, तू उससे बड़ा है क्या? कसम से बाकी से ऐसा नहीं होगा सर। सीधे सीधे मेरे पैसे चुका दे, अगर मैं अपनी औकात पे आ गया तो तू क्या तेरा बाप भी पैसे देगा? मुझे छोड़ दो, मैं उससे डबल पैसे दूंगा। ये हमें उससे बेहतर डील दे रहा है सर। शशि यहाँ बेहतर डील का सवाल नहीं है, यहाँ सवाल कमिटमेंट का है, और हर धंधे के कुछ उसूल होते हैं। अगर मैंने कमिटमेंट को तोड़ा तो रिश्ता खत्म, तालाब में रह के मगरमच्छ से बैर। थोड़ी देर समुंदर की हवा खा ले। मुझे माफ कर दो सर। बोलो दिव्या। सर, एंथनी एक एक्सीडेंट में मर गया है। एंथनी मर गया, कब हुआ ये? कल रात सर, अपनी फैक्ट्री में ही मरा है। अभी आता हूँ।
मैं ही उल्लू का पट्टा हूँ। साला पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकला। अपने पुराने भूतों के गैंग के साथ हम कितना खुश थे। इसकी बात सुनकर फंस गए ना हम लोग। बड़े लोग कहकर गए थे ना लालच का नतीजा बुरा होता है, देख लिया। जटली चुप कर तू। तू जिंदा होता ना तो तुझे काट देता मैं। टेंशन क्यों ले रहा है? क्यों ना लूं टेंशन? लोगों को लूटा, उनसे चीटिंग की, लेकिन मर्डर, तूने मुझसे मर्डर करवाया। मर्डर? ये कब हुआ? अगर मैं इंसान भी होता तो वो बस ड्राइवर मुझे मार ही देता। उसे कैसे पता तू कूदेगा? बिल्कुल उसी तरह मुझे कैसे पता रेड्डी गाड़ी के सामने आएगा। इट्स एन एक्सीडेंट। अब हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि करोड़ों कमाने हैं। करोड़ों कमाएंगे? बकवास मत कर। 750 करोड़ सामने थे, एक पैसा हाथ नहीं लगा। अगर लग जाता तो सारा पैसा लेकर तू रफू चक्कर हो जाता है। इसने कब सुना? मास्क, मैंने कुछ नहीं बताया। I'm watching you. मेरा प्लान बर्बाद करके तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। वो मेरा पैसा है, उसे हम मिलकर लूटेंगे। हे, एक मिनट। मैं धोखेबाज हूँ ये तू जानता था, तो मुझे अपने साथ क्यों लिया? इसका मतलब तेरा इरादा लॉकर लूटना नहीं था। मास, तुम गलत समझ रहे हो। हे, साला, 700 करोड़ तेरा पैसा, ये हवाला सब तेरी साजिश थी, इसलिए तू हमें यहाँ ले आया। इसे भूल जा मास, वापस चलते हैं। अपनी भूतिया गैंग अच्छी है, बहुत सामान कमाएंगे और थाईलैंड बैंकॉक घूमने जाएंगे। गाड़ी में पानी डालता हूँ। मास, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। तेरा कोई झूठ नहीं सुनना है मुझे। क्या प्लान बनाया था? मारना तू उसे चाहता था और फंसा दिया मुझे। देखता हूँ इंजन में पानी है कि नहीं। दोबारा नजर मत आना, निकल यहाँ से। मुसीबत मुझे झेलनी पड़ेगी, तेरा क्या चाहता है? तेरी कोई फैमिली थोड़ी है। क्या पापा, जब भी पूछती हूँ तो आप मैं सोचूंगा कहकर टाल देते हो। अनु बहुत अच्छी है पापा, वो बहुत अच्छा मैजिक दिखाती है। आप बताओ कितने बच्चे होंगे जिनकी माँ मैजिक कर सकती है। प्लीज पापा, आप उनको हमारे साथ घर ले चलो ना पापा, प्लीज पापा। मेघा, घर चलकर बात करते। नहीं पापा, उनको अगर अपने साथ घर नहीं ले चलोगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। माँ स्वर्ग में गई है ना, उनसे पूछकर बताता हूँ। नहीं पापा, ये कैसे होगा? माँ आपसे थोड़ी ना बात करती है, वो तो मुझसे बात करती है। आप नहीं, मैं उनसे पूछ कर आती हूँ। और मेघा का क्या होगा? मुझे नीचे उतारो पापा। शक्ति, अनु एक बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम दोनों से प्यार करती है। मेघा को अनु जैसी अच्छी माँ दूसरी बिल्कुल नहीं मिल सकती। मेघा, मेरी तरफ देखो। अच्छा प्रिंसेस, आपको वो पसंद है? हाँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है पापा। आओ। तो फिर ठीक है, जो हमारी मेघा को पसंद है वो हमें भी पसंद है। आंटी, पापा ने आपके लिए हाँ कर दी है। ए, कहाँ है? ला साया, ला माया, चाहो ये दिल से मैं बनूंगी मैं। जिस पल उसने मुझे माँ कह के पुकारा, उसी पल वो मेरी बेटी बन गई। पापा, मामा। खो गया यही दिल कहीं ढूंढे हैं आंखें इसको।
सदा भूलो कैसे वादा वफा थाम लो हाथ ये सुन जरा बात ये जुड़ गया अब नाता तेरा साथ दूंगा ये वादा मेरा खुशियों भरा सवाब आ ही गया सारा जहां देखो जरा अपने लिए ही थम गया जिंदगी ये अब तो पूरी हुई तेरे आने से एक बार फिर से ये शुरू हुई चल चल तू ख्वाबों की दुनिया में मेरे संग चल चल तू भर दे तू खुशियों के रंग बस आएंगे एक प्यारा घर एक दूसरे के विश्वास पर थाम लो हाथ ये सुन जरा बात ये जुड़ गया अब नाता तेरा साथ दूंगा शुक्रिया मैं तुम्हारा एहसान इतने किए मैं हूँ सबसे लकी ए ओ ए ओ कुछ ना बाकी ए ओ ए ओ सवर गई मेरी ये जिंदगी सुनो ना पापा मेरे सारे फ्रेंड्स के भाई बहन हैं वो सब अपने भाई बहन के साथ खेलते हैं मुझे भी खेलना है पापा लेकिन हमारे घर में कोई भाईया बहन है ही नहीं मुझे भी कोई भाईया बहन चाहिए पापा तो जाकर मम्मी से पूछो मम्मा मैं तैयार हूँ ए मेरी बच्ची की इच्छा है तुम ही सास हो कैसे कहूँ तुम्हें आंखें कुछ कहे बेचैन दिल है चांदनी रात हो तुम मेरे पास हो कैसे कहूँ तुम्हें आंखें कुछ कहे दिल बेताब है Welcome to everyone gathered here. Thanks to Mr. Reddy, Honorable Minister from India, for attending this function. And a special thanks to his friend and elite businessman, Mr. Radhakrishnan, for his investment in Tanzania. To begin with, I would like Mr. Reddy to come here and share a few words. Please, sir. Thank you. ये मेरे लिए खुशी की बात है कि हम तंजानिया में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं मैं अपने देश की तरफ से मीटिंग में हो थोड़ी देर में फोन करता हूँ जब तक तंजानिया बिजनेस के लिए हमें बुलाता रहेगा एक मिनट सॉरी दरअसल मैं बस ये कह रहा था कि जब तक तंजानिया क्या बोल रहा है हाँ भैया आज रात उसकी फैक्ट्री के पास ही उसका एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सीडेंट है या मर्डर हमने पूरी इंक्वायरी कर ली है और हैरानी की बात तो ये है कि कोई इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं जबकि उसकी कार अम्बुजा लेक झाड़ियों में पाई गई। जिस कार की टक्कर से एंथनी की मौत हुई वो गायब है और एंथनी की कार अम्बुजा लेक की झाड़ियों में मिलती है तो ये एक प्लान्ड मर्डर है एक सोची समझी साजिश इसके पीछे गैंग है या कोई अकेला आदमी दैट इज द क्वेश्चन इसी फैक्ट्री में ये वारदात क्यों घटी एंथनी के लॉकर में ना ही कोई डॉक्यूमेंट है और ना ही कोई पैसा पर ये कैसे हो सकता है सब कहां गायब हो गया वो डॉक्यूमेंट्स कोई रद्दी कागज नहीं थे
उनमें मिनिस्टर साहब की सारी ब्लैक मनी का कच्चा चिट्ठा है। किस किस कंटेनर में क्या है और वो कंटेनर किस जहाज पर है और उस जहाज की मंजिल क्या है, वो कब इंडिया आएगा, उसकी सारी डिटेल्स उन डॉक्यूमेंट्स में है। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद कोई कैसे उसे गायब कर सकता है? हो सकता है ये किसी लोकल का काम है। हो सकता है सर। और नहीं भी क्यों? यस सर। नाइस स्माइल, तुम्हारी हंसी ने तो ये केस में जान डाल दी। इतना बड़ा लॉकर मेरे बेडरूम से भी बड़ा है। फुल ऑफ ब्लैक मनी। अगर वो कस्टम्स या कोस्टल गार्ड के हाथों में पड़ गया तो हम लटक जाएंगे। आप चिंता ना करें, मैं हूँ ना। मुझे खोखले दिलासे मत दो भरत, मेरे इंडिया आने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाने चाहिए। कौन हो सकता है सर? सीसीटीवी कैमरे की जांच करने से पता चल सकता है। कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और जिसने भी चोरी की उससे पहले से ये पता था। इस फैक्ट्री में कोई सबूत नहीं मिलेगा लेकिन ये कैमरा हमारी जरूर मदद करेगा। सर आपने ये कैमरा यहाँ कैसे लगाया? थुकी हुई च्यूइंग गम ली और इसे इधर चिपका दिया। डाउट क्लियर? मैंने सोचा था एंथनी को मुर्गा बना के सोने के अंडे निकालूंगा, पर पता नहीं अब कौन सी मुर्गी सोने का अंडा देगी। अब एंथनी को मारने वाला जो भी टर्मिनेटर है, हो सकता है वो इसमें कैद हो। किसका फोन था? वो भरत का फोन था। मैं बस ये जानना चाहता हूँ मेरा पैसा कहाँ है। आप मुझ पर भरोसा रखिए, वो सेफ है। पहले हमारी ये बिजनेस डील हो जाने दीजिए। अच्छा। और पैसे की चिंता मत कीजिए, वो मेरी जिम्मेदारी। बात ये है आपकी कि मुझे इलेक्शन से पहले वो पैसे चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन में पैसों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ कहेंगे, जितना कहेंगे वो पहुँच जाएगा। Where's the next meeting? In the office. पीछे। Okay. थोड़ा पीछे। तुम्हें नहीं सर, पिक्चर रिवाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ। सॉरी सर। ज़ूम इन। ये अकेले किससे बातें कर रहा है? ना तो ये लोकल आदमी लगता है और ना ही एंथनी का। लेकिन जब एंथनी मरा तो ये फैक्ट्री में क्यों गया था? सर ये हमारी मुंबई की लिस्ट है और इसे कंप्यूटर पर मैच किया गया है। इसका नाम मास है सर। हमारी जांच से पता चला है कि इसके नाम कई क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज हैं। और एक बात सर, आजकल ये गायब है। अगर ये आदमी आजकल गायब है तो जरूर कुछ गड़बड़ करने वाला है। अपने FIR में इसे एक्सीडेंट केस लिखना। ओके सर। और कीप इट सीक्रेट। ओके सर। ठीक है, ये आदमी इस केस में इन्वॉल्व है, ये बात किसी को पता ना चले। ये कौन है, अभी कहां पर है, ये किसके हुक्म का गुलाम है, इसका एंथनी से क्या रिलेशन था, ये पता करेंगे मुंबई में। गाइस, हम सब एजुकेटेड लोग हैं, वी शुड अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन। यस, यही बात तो मैं कहना चाहता हूँ। तुम हमारी सिचुएशन क्यों नहीं समझ रहे? जब ये खुश नहीं होगा तो हमारा काम कैसे करेगा? हमें कभी खुशी नहीं मिलेगी। जेटली को देखो, ये तो सुखी है ना। बोलो, जानते हो क्यों? क्योंकि जेटली मास को मक्खन लगाता है, इसलिए। क्या प्रॉब्लम है? बॉस आप जाकर फ्रेश हो जाओ ना, मैं इन्हें समझा लेता हूं। अरे नॉन एक्टर, इतनी ओवर एक्टिंग मत किया कर। ओवर एक्टिंग मास, मैटर ये है कि इनमें से कोई भी हमारे साथ काम करने को तैयार नहीं। भूत मंडली स्ट्राइक पर जाने। स्ट्राइक? यस स्ट्राइक, ये हम भूतों का फैसला है। आज के बाद हम सब लोग तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। तो ये बात है, तुम लोगों ने भूतों की यूनियन बना ली है। मैं तुम्हारे पास आया था या तुम मेरे पास आए थे? ए जेटली, ये सब नहीं चलेगा। इनको यहाँ से कल से हम फ्रेश भूतों को भर्ती करेंगे, फ्रेश बिजनेस शुरू करेंगे। जो मेरी बात नहीं मानना चाहता वो निकल जाए यहाँ से। भूत मंडली, सबने सुन लिया ना? जो हेल्प करेगा वो यहाँ रहेगा, बाकी सब गेट आउट। हेलो ब्रदर, हमें यहाँ पर रहना है या नहीं रहना है ये तुम हमें नहीं बताओगे। अच्छा, वो हमको बताएगा। वो कौन बे? वहाँ देखो, उधर। हे, तुझे मेरे पीछे आने से मना किया था ना, तू फिर से आ गया। हेलो, वो नहीं आया, हमने बुलाया है। हम जैसी अनाथ आत्माओं के लिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजा है। अब हमारी मुक्ति के लिए शक्ति ही हमारी मदद करेगा। मैडम जी, तुम्हारे डायलॉग बोल के हो गए, मास के बिना कुछ नहीं हो सकता। सुनो, एक बात कहूँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। इसने हमसे अपना काम तो करवा लिया और जब इसकी बारी आई तो हमें धक्के मरवा कर निकाल रहा है। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, अब यही हमारा इंसाफ करेगा। कौन से फिल्म के डायलॉग रट के आए हो, जाना तो तुम्हें ही था ना। ठीक है, चलो यहाँ से। ए मास, क्या? अभी तो हमने कमाना शुरू किया था, ये लोग जाएंगे तो घाटा होगा। नए लोग आएंगे तो उन्हें ट्रेनिंग कौन देगा? मेरी बात मान, इन लोगों को रोक ले, ये लोग सारे एक्सपीरियंस है, काम आएंगे। ए सुनो, ए सुनो साथियों, कोई कुछ कहेगा तो तुम उसके साथ चले जाओगे? अरे बिल्डर, क्या यार अजूबा, हम लोग अलग हैं क्या? हम एक फैमिली की जैसे हैं यार। ए श्रीपति। बॉस, बस इतना ही प्यार था। नहीं बॉस,
और इसके साथ जाकर क्या करोगे? पता नहीं बॉस, लास्ट में मैं ही काम आऊंगा। माँ सही कह रहा है। जानते हो इसने क्या किया है? इसने मुझसे मर्डर करवाया है, प्लान करके मर्डर करवाया है। माँ से पंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, मैं धोखेबाज हूँ, यही डाउट है ना? जितनी बताना। ठीक है, मैं क्या करूँ बताओ, किसकी इच्छा पूरी करूँ? कौन आएगा पहले? कौन? पद्मा, कम ऑन, वो क्यों डिसाइड करेगा? जा। हाँ बहन, तुम पहले बताओ क्या इच्छा तुम्हारी? मुझे अपने बेटे से मिलना है। एंजेलिना जोली? नो। ओ सॉरी, यू एमी जैक्सन। गुड। अगेन मिस्टेक, प्लीज वन मोर टाइम, प्लीज। आई वांट टू किस हिम फर्स्ट। वाह, मरने के बाद स्वर्ग नसीब हुआ, क्या बात है। गर्ल्स रेडी? वी आर रेडी। देसी अप्सरा, वो भी हमारे एरिया में? वाओ। हे गर्ल्स, वन मिनट, क्या बात है, तुम कहाँ से आई हो? क्या मुझसे मिलने आई हो? नहीं। Who this fellow? ये मास है। मास? Oh my God! चलो मान लिया कि तुम मास हो, पर बदन में हड्डी भी तो होनी चाहिए, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा, ये सब होना चाहिए। नहीं है तो तुम्हारी जान खतरे में है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस। रहने दे रे, इसका ऑपरेशन हम बाद में करेंगे, पहले दो मिनट हमारी बात तो सुन ले। टाइम वेस्ट मत कर, मुझे तुमसे काम है। इसका बेटा खो गया है, नाम है गणेश, छोटा बच्चा है, हमारे हिसाब से यहीं कहीं मिलेगा। तुमने देखा? Are you married, baby? Oh no! गणेश नाम के लड़के को जानता है? गणेश? छेड़ मत। गणेश, जितना कि मैं जानता हूँ, मेरा एक पुराना दोस्त भिखारी लाल है, उसके घर पर एक गणेश नाम का लड़का रहता है, हो सकता है वो वही लड़का हो। फॉलो बैक, कम ऑन। अरे पहले तो यहाँ झील थी ना, पूरा गंदा कर दिया। यहीं कहीं होना चाहिए। ए, चल रहे उड़बे, काम पे नहीं जाना क्या? मुझे भूख लगी है। ये ले, भीख में कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। देखो क्या वही है तुम्हारा गणेश? अबे जल्दी कर, लेट क्यों कर रहा है? यही? लो खा लो। ये चोट कैसे लगी? कल हमारे यहाँ एक सड़क का मैनहोल खुला था और मैं उसी में गिर पड़ा। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं खा लूँ? खा लो, खा। ये देख नहीं सकता, इसे अकेला कैसे छोड़े? इसके पिता कहाँ है? उन्होंने, जब मैं छोटा था तो एक बीमारी में मेरी आंखें चली गई और पापा ने मुझे और मेरी मम्मी को घर से निकाल दिया। अगर मैं जिंदा होती तो इसकी परवरिश में। बस बस, अब क्या फायदा, बच्चे पैदा करने से पहले सोचना चाहिए। अंकिल अब किससे बात कर रहे हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं, फोन है। एक अनाथ का बचपन कितना मुश्किल होता है, ये मैं जानता हूं। मैं इससे भी छोटा था, हम वो खाते थे जो हमारी उम्र के बच्चे कचरे में फेंक देते थे। मैं और जेटली जहां जगह मिले सो जाते थे। बहुत आसान है ये कहना कि गुजारा हो जाता है, पर होता नहीं है। देखो इसे, भूखा है, भीख मांग रहा है, थोड़ी हिम्मत दिखा देती? क्यों किया आत्महत्या?
यहाँ एक बच्चे को लेकर आया है और डॉक्टर दीपक से इलाज के लिए बात कर रहा है। हो चुका, यहाँ भी वो डॉक्टर को बेवकूफ बनाने आ गया। सुनिए डॉक्टर, बताइए कैसा है वो? फिलहाल तो ठीक है। सचमुच देख पाएगा ना? अंदर की कोई नर्व डैमेज नहीं हुई, एवरीथिंग इज फाइन। पैसों की फिक्र मत कीजिए, मैं संभालूंगा। जैसे ही हमें किसी डोनर की आंख मिल जाएगी, हम फौरन सर्जरी कर देंगे। डोनर कौन? आप बिल्कुल मत घबराइए, आजकल बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आई डोनेशन करते हैं, हमें भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तब तक आप पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज कर लीजिए, ठीक है? थैंक यू एंड डोंट वरी, वो ठीक हो जाएगा। पद्मा, डॉक्टर ने कहा गणेश अब देख सकेगा, चिंता मत करो। सच कहूं तो अनजाने में। कोई बात नहीं मास, अगर मैं जिंदा भी होती तो भी गणेश की आंखों का ऑपरेशन नहीं करवा पाती, और शायद इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ। मुझसे वादा करो मास कि तुम मेरे बेटे की देखभाल मुझसे बेहतर करोगे। वादा करता हूँ। मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई, अब मैं चलती हूँ मास। ये क्या? बहन बचाओ, ये तुम्हारा बेटा इतने सालों बाद वो देख पाएगा। कोई न जाने कल क्या होगा। मास अब हम क्या करें? कुछ नहीं, आप लोगों ने बहुत किया, अब मेरी बारी है, किसकी इच्छा पूरी करो। मरने के बाद हर किसी को जाना है भगवान के पास, उससे पहले आखिरी बार जो छुट्टा उसे मिलने की आस। मैंने जिस लड़की से प्यार किया था, बस उसे अपने प्यार के बारे में बताना चाहता हूँ। हमें एक आई डोनर मिल गया है। अच्छा, प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 2 वीक्स हम उसकी सर्जरी करेंगे। ये खबर सुनकर तो बच्चे से ज्यादा मुझे खुशी हो रही है। माननी, एप्लीकेशन फॉर्म पर इनकी साइन ले लो। एक काम करो, तुम यही रुको, मैं पेपर्स लेकर आती हूँ, ठीक है? वेट करो, मैंने कहा ना वेट करो। एक मिनट रुको। सर, आपसे कुछ कहना था। हाँ, सर
मैं वही हूँ जिसने गणेश को आंखें दिलवाई थी। ओह थैंक यू भाई। कोई बात नहीं सर। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया है, तुम बहुत महान हो। अरे शुक्रिया की जरूरत नहीं है सर, इसके पीछे मेरी गर्लफ्रेंड वैष्णवी का हाथ है। जब उसने मुझसे ऑर्गन डोनेशन के बारे में पूछा तो मैं तो डर गया था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैंने किसी की जिंदगी बना दी, और मुझे खुशी है कि कोई मेरी आंखों से देखेगा। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारी कोई अधूरी इच्छा है? जब वो बच्चा देखने लगे तो वैष्णवी के पास ले जाना और उसे कहना कि वो मेरी आंखों से देख रहा है, ये सुनकर उसे बहुत खुशी मिलेगी। हाँ बिल्कुल, थैंक्स सर, अब चलता हूँ। अरे रुको, तुम वैष्णवी को खुश होते हुए नहीं देखना चाहते? कोई बात नहीं, मुझे आप पर पूरा यकीन है, आप उस बच्चे को जरूर ले जाइएगा। चलता हूँ, रुको। अरे रोइए मत, आपका एहसान बच्चों का ख्याल रखूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। चलो माननी, वो मेरे जान पहचान वाले थे, बाय। तो तुम मुझसे बात नहीं करोगे? ऐसे क्यों भाग रहे हो? नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो उस दिन हॉस्पिटल में मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? मैं जब वापस आई तो तुम वहाँ नहीं थे, इसका मतलब तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। वो उस दिन एक काम आ गया तो। तुम बहुत बदल गए हो मास। उस दिन हॉस्पिटल में जब तुम उस लड़के को लेकर आए तभी मुझे पता चला कि मैं कितनी गलत थी। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, और अगर ऐसा नहीं है तो कह दो, मैं अभी यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तुम्हें किस तरह समझाऊं? मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जब उस दिन तुम चली गई तो मेरा मन किया कि तुम्हें गले लगाकर रोक लूं। तो अभी रोक लो ना। क्या कहा? हाँ, अरे लल्लू सोच क्या रहा है, हीरोइन सामने से ऑफर दे रही है, जल्दी से उसे गले लगा ले, ऐसा बम्पर ऑफर बार बार नहीं मिलता है। हाँ लड़की ने गले लगा लिया। हाँ, स्टार्ट म्यूजिक। ये तो भूत नहीं बना, इसने जिंदा रहते इच्छाएं पूरी कर ली, इसलिए सुकून से जा रहा है, इसे कहते हैं समाधि। बस बस, अरे नहीं देखा, नहीं है, प्राइवेसी देना थोड़ी। लेकिन पुलिस देखने आई है। पुलिस? तो वो क्यों आई है? आई डोंट नो। तू चल, मैं आता हूँ। जवाब दो सर, अभी तक आपने कुछ पूछा ही नहीं। एंथनी को जानते हो? अरे एक्सीडेंट से जिसकी टिकट कट गई थी वो। एंथनी? ऊपर एंटीना हो सकता है, एंथनी नहीं। एंथनी नहीं सर। तो एंथनी को नहीं जानते? आजकल क्या करते हो तुम? भूत भगा रहा हूँ। क्या? हाँ आजकल मैं भूतों से बात बात करके उन्हें भगा देता हूँ सर। ये भूत प्रेत सचमुच होते हैं क्या? हाँ सर। क्यों दिव्या? झूठ बोल रहा है सर, ढोंगी है ये। मैडम तुम गोवा गए थे? गोवा? करेक्ट, हाँ। गोवा, गोवा गए थे। कहो कि तुम गए थे, कहो तुम एक आत्मा के पीछे गए थे। नहीं, ना मैं गया ना ये नाम सुना है। क्यों तुम्हें गोवा का बीच पसंद नहीं? अरे सर यहाँ का बीच है तो वहाँ क्यों जाऊँ? सही कह रहा सर। थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ अभी लाता हूँ। मास, इन लोगों पर मुझे शक हो रहा है। भी बोलता है। वॉइस रिकॉर्डर निकालो सर। वो बाहर लगाओ, मैं यहाँ लगाता हूँ। सर मेरे लिए चुपचाप उस पर नजर रखो।
बॉस, इन लोगों ने टेबल के नीचे वॉइस रिकॉर्डर लगाया है। कहा था ना सच बोल दो, झूठ क्यों बोला? ए, क्या बोलना है किसे बोलना है मैं देख लूंगा। तू निकल यहाँ से। कर क्या रही हो तुम? हाँ? मैं तेरे खेल का कोई मोहरा नहीं हूँ। आया बड़ा। अरे नहीं पड़ेगी। ओके। ठंडा नहीं है सर, सादा पानी। इट्स ओके, कूल। अगली बार आऊंगा तो ठंडा पानी पिलाना। सुनो दिव्या, नंबर दे दो। yes, sir. अपना नहीं, मेरा देना। सॉरी सर, मैं बाहर रुकता हूँ। कंट्री छोड़ने से पहले हमें इन्फॉर्म करना। आपकी ट्रैवल एजेंसी है? सॉरी, आप पानी पी? नो थैंक्स। डार्लिंग, डार्लिंग, देखो वॉइस रिकॉर्डर लगा है। वहाँ पे भी है, वहाँ पे। नीचे, 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 नीचे। एक उधर भी है, डार्लिंग ने लगाया। सर, ये विक्रम, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। मैं इन्हीं की बात कर रहा था। नमस्ते। नमस्ते, मैं आरके। खदान पर चलो। बैठिए सर। बाबू, तुम कुछ पहचाने हुए लगते हो। हम कहाँ मिले हैं, तुम्हें कुछ याद है? पता नहीं, बुढ़ापा आ गया है ना, इसीलिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं तो मिले। मिले होंगे ना, मैं भी कई कस्टमर्स से मिलता हूँ। अगर आप बताएं कि किस सिलसिले में मिले थे तो शायद याद आ जाए। मैं बताना भूल गया था, मेरा नाम भरत प्रसाद है, यहाँ का एमएलए। अरे मैं नहीं जानता था, सॉरी। कोई बात नहीं, बैठो। क्यों तुम टीवी नहीं देखते? नहीं देखता। वो गोवा कलेक्टर का मर्डर हुआ था ना, सस्पेक्ट मैं था और कई दिनों तक जेल में था। मर गए, मास्क लगता है हम कातिलों के बीच में हैं। भैया, मेरी भगवान में बहुत आस्था है, अगर अच्छाई है तो बुराई भी रहनी ही चाहिए। बिल्कुल, भूतों पर पूरा यकीन है मुझे। मेरा एक पक्का दोस्त एक्सीडेंट में मारा गया, उसने सारा पैसा पेपर्स न जाने कहाँ रख दिए। हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से दो दिन से घर में हंगामा मचा हुआ है। कल अचानक ही शीशे पर तुम्हारा नंबर आया, मुझे लगा एंथनी भाई तुम्हारे जरिए मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। एक मिनट रुको। ये है हमारे एंथनी भाई। अरे बाप रे, ये तो वही है जिसे हमने गाड़ी से उड़ाया था। अब तुम एंथनी की आत्मा से पूछो, उसने हमारा पैसा पेपर्स कहाँ छिपा कर रखे हैं। ये बहुत ही पुण्य का काम होगा बेटा, पूछोगे ना? मास, यहाँ रुकोगे तो हमारे जैसे बन जाओगे, चलो जल्दी। अरे ये भी आ गया। आखिर तू भी इसके जाल में फंस गया ना, यहाँ आने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? ए, भगा इसको, कहीं भी आ जाता है बेवकूफ, जब देखो मुझे। मैंने क्या किया, घर घर जाकर नंबर लिखने का आइडिया किसका था? तुम्हारा था। हाँ, लेकिन गोवा हमें लेकर जाने का आइडिया किसका था? गोवा इसमें कहीं नहीं आता, लेकिन गोवा के लॉकर से पैसे गायब हुए। लेकिन लॉकर नंबर तो लॉकर से पैसे गायब हुए लेकिन हमने नहीं चुराए। हमने नहीं चुराया, लेकिन किसी और ने चुराया है, और इससे तुम पर शक है, इसलिए इसने तुम्हें यहाँ बुलाया है। ये भूत से बात करता है। यहाँ हर आदमी की नजर तुम पर है, यहाँ से बच निकलना मुश्किल है। अगर मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। मास, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना, ये फिर से हमें उल्लू बना रहा है। अरे, बात की गहराई को समझे बिना पको मत, बहुत मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम नहीं, मैं क्या कुछ पता चला? क्या कहा एंथनी की आत्मा ने? एंथनी की आत्मा नहीं दिखी, वो गोवा में मरा था ना, तो उसकी आत्मा भी वही है। दूर की आत्मा से लॉन्ग डिस्टेंस टॉक करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसी बातें मत करो बेटा, हम कोई पूजा करवाते उसकी? हाँ, अभी नहीं। चल, चल, अभी चल, अच्छा मुहूर्त नहीं है, इसके लिए स्पेशल पूजा करनी होगी। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? हाँ, और क्या। आरके को मैं क्या जवाब दूंगा? तुम एक काम करो, यही पूजा स्टार्ट कर दो, आरके के आने के बाद हम सब मिलके गोवा चले। अरे अब ऐसा थोड़ी होता है, उसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना, पूजा करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। मैं चलता हूँ। वो गोवा में मरा था ना, तो उसकी आत्मा भी शायद वही है।
ए महेश। हाँ भाई। एंथनी गोवा में मरा था ये बात तुमने उसे बताई? नहीं भाई, मैंने तो नहीं बताई। फिर ये बात उसे कैसे पता चली? उसने एंथनी की आत्मा से बात की है, तभी तो उसे ये बात पता चली कि एंथनी गोवा में मरा था। हे, वो जरूर हमसे कोई बात छुपा रहा है। उसको मालूम है, बुलाओ उसे, बुलाओ। भला करने के चक्कर में तो खुद ही फंस गया। चल बैंकॉक चलते, वहाँ घूम। हेमास, चल हमारे साथ चल, भाई ने बुलाया। लेकिन क्यों? बोला ना एक हफ्ता लगेगा। भाई को तेरे से कुछ बात करनी है, चल मेरे साथ। अरे यार टाइम नहीं है, बहुत से कस्टमर वेट कर रहे हैं यार। उसको बोलो किसी और दिन आऊंगा, अभी जाने दो, देर हो रही है। ए, ये क्या नाटक है? अब गुंडे लाकर मुझे रोकने की कोशिश करोगे? पैसा कहाँ है? कैसा पैसा? चलाकी, जो पैसा मैंने एंथनी को दिया था वो। अरे वो पैसा मुझे क्या पता, एंथनी ने कहीं रख दिया होगा। अच्छा, तुझे ये कैसे पता कि एंथनी गोवा में मरा था? हा? सर मेरा वो मतलब नहीं था, मैं मास, गेम ओवर हो गया। इन्हें पता चल गया है कि तू गोवा जाकर लॉकर से पैसे चुराएगा। अब सवाल ये है कि ये लोग तुझे मार देंगे या तू इन्हें खत्म कर देगा। हे, दूसरी बार मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, समझा? हे, तुम एंथनी से बात कर रहे हो ना, पैसे के बारे में पूछो, पूछ वरना बचकर नहीं जा पाएगा। मैं नहीं गया तो आप भी नहीं बचेंगे। अच्छा, मेरे इलाके में मुझे ही मारेगा? सर सुनिए तो, आपकी कसम खा कर कहता हूँ कि मैं कुछ उससे चालाकी करता है। तो ठीक है, ओके। क्या ओके है? मैं जो कह रहा हूँ आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। पहले मैं तेरे टुकड़े टुकड़े मौका आ गया तो भारी पड़ेगा। जा, मुझसे पंगा मत ले, जो करना नहीं है वही कर। तूफान से आया मास 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 मास, आंधी से आया मास 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 मास, तूफान से आया मास 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 मास, आंधी से आया मास 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 मास। नहीं जानता कैसा खाए, मुझे फिर बता। अरे बुढ़े पागल हो गया क्या, कितनी बार बताऊं तुझे। मेरा है क्या, लिख कर दूं? याद आया, मैं शक्ति। शक्ति? तुझे लगा तू मुझे खत्म कर देगा? शक्ति किसी भी रूप में आएगा, कोई मुझे मार नहीं सकता। मैंने तेरे खिलाफ उसका इस्तेमाल किया, अब नरक में चल। हे मास, तुम यहां से गए नहीं? तूने फिर से मुझे धोखा दिया ना, मेरा इस्तेमाल कर रहा था। क्या पक रहे हो तुम, जल्दी निकलो यहां से। क्यों निकलूं? और कितनों को मरवाएगा मेरे हाथों? अपने फायदे के लिए मुझे नचा रहा है, तू जा यहां से।
थोड़ा सब्र कर, मैं इसे जाना तो बोल। मास क्या बोल रहा है, जा यहाँ से निकल। पर तुम दोनों मुझे एक सफाई देने का मौका तो दो। तू हमसे झूठ बोलता रहा, क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा? मुझे खुद से नफरत होने लगी है, मैं अपना चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तू जा यहाँ से, कहीं भी जा। तुम गलत समझ रहे हो, ऐसे नहीं जाएगा ना। गला काट लूंगा। अगर तू नहीं गया ना तो मैं अपने आप को मार दूंगा। वैसे भी जिंदा रहकर तू मेरा इस्तेमाल ही करेगा ना। बॉस रुको, मैं बोल रहा हूँ, जा, जा। जाता हूँ। मास चल चल जल्दी निकल, वरना जलकर राख हो जाएगा। चल जल्दी। ये यहां कैसे आ गया? मेरा उन सबसे कोई लेना देना नहीं है। इस सब की वजह तो वो शक्ति है। शक्ति? शक्ति नहीं, उसका नाम मास है। हाँ, एंथनी की मौत के दिन ये मुझे गोवा की फैक्ट्री में दिखा था। गोवा में एंथनी को मरवाया और यहाँ उस एमएलए को मरवाया सर। जिस दिन एंथनी मरा था उस दिन वहाँ और दो लोग थे, एक था मास और दूसरा जेल से भागा कैदी कमल राजपूत। पर इसका शक्ति से क्या संबंध? तू जानता है ये शक्ति है कौन? वो चाहे जो भी हो सर, वो मुझे क्यों इतना टॉर्चर? वो तेरा पाप है, समझा? तुम्हारे माँ बाप कनाडा में रहते थे, मैं तुम्हारे परिवार का इंडिया में इकलौता फैमिली फ्रेंड था। तुम्हारे पिता का सपना था कि हिंदुस्तान में जो उनकी जमीन है उसे किसी अनाथालय को दान कर दे, इसलिए मैंने उस जमीन के रजिस्ट्रेशन का पूरा इंतजाम करके उन्हें इंडिया बुलाया। उनके इंडिया पहुँचने के तुरंत बाद ही हम अनाथालय पहुँचे। लेकिन ये क्या मैडम, आपने तो हमसे वादा किया था ना कि वो जमीन आप अनाथालय को दान कर देंगी, फिर उसे आपने कंस्ट्रक्शन कंपनी को क्यों दे दिया? कमल भाई ये क्या कह रही हैं? हम अपनी इस परेशानी से जूझ ही रहे थे कि हमें आरके और एंथनी नाम के दो बड़े रियल एस्टेट माफिया के बारे में पता चला। उनकी नज़र हमारी जमीन पर थी और वो उसे किसी भी हाल में हासिल करना चाहते थे, पर तुम्हारे पिता नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, इसलिए वो सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस गए। अनुराधा के नाम का डेथ सर्टिफिकेट यहाँ जमा किया गया है। तुम सीधे कनाडियन एम्बेसी जाओ, वहाँ से अनुराधा के नाम का ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट लेकर यहाँ आओ। हम रजिस्ट्रार ऑफिसर से बात ही कर रहे थे कि आरके और एंथनी वहाँ आ पहुँचे। नमस्ते, मेरा नाम शक्ति है। आप जैसे महारथियों से मिलने की काफी ख्वाहिश थी, शायद आपने गलती से मेरी जमीन पर अपना बोर्ड लगा दिया है। तुमको देख के लगता है तुम इधर का नहीं है। सही लगता है सर, ये मेरे दोस्त हैं, फॉरेन से आए हैं, हमारी उन दोनों से बात बिगड़ गई। कोई भी विदेशी नागरिक हमारी जमीन पर अपना हक नहीं जमा सकता, और वैसे भी वह जमीन हमारे नाम पर है। अगर तुम लोग सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना जिस जमीन के लिए आए हो उसी में तुमको दफन कर देंगे। ऐसी बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हम फॉरेन से आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बेवकूफ हैं। तेरी गीदड़ धमकियों से डर नहीं लगता मुझे? अगर हम देश छोड़ते भी हैं तो भी वहाँ हमारी आइडेंटिटी इंडियन होती है, इसके लिए तुझसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बहुत खेल खेल लिया तूने, तेरी गुंडागर्दी को अब खत्म करके ही रहूंगा, वरना मेरा नाम शक्ति नहीं। तुम्हारे पिता जिद्दी थे। रजिस्ट्री तो होगी। इसके बाद तुम्हारे पिता ने लोकल पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ रिटर्न कंप्लेंट लिखवाई। अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, मैंने कंप्लेंट लिख ली है, मैं बात करता हूँ। अगले दिन हम इंतजार कर रहे थे कि रजिस्ट्रार आएगा। सर,
यही दोनों हैं जिनकी मैं बात कर रहा था। फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगा। मैडम, आप इन लोगों से हमारे लिए झगड़ा मत कीजिए, हम एडजस्ट कर लेंगे। मैंने तुम्हारे कहने पर सबको यहाँ बुला लिया है, कोई कंप्लेन नहीं है, तुम्हें जो करना है कर लो। उस दिन पुलिस स्टेशन में तो तू बहुत बोल रहा था ना? बोल, अभी हम लोग तेरे जमीन पे खड़ा है। एंथनी, तुमने नोटिस किया कि नहीं, आज तक इस जमीन पर हम कुछ भी शुरू नहीं कर पाए। लगता है यहाँ पर किसी की बलि वगैरह देनी पड़ेगी। वो बेबी कैसा रहेगा? मैं क्या करना है? इसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करो कि इसने पैसे के लालच में एक फैमिली के 3 लोगों को मार डाला। गवाही हम देंगे। ओके। पापा,
बार तो कह देते कि आप मेरे मेरे पापा हैं। मैंने कोशिश तो की थी लेकिन तुम मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते थे। कहा कि अगर इच्छा पूरी करनी है तो मुझे लाइन में लगना होगा। आखिर जब मैंने पैसों की बात की तब तुमने मेरा यकीन किया। अरे पैसे ने अंधा बना दिया था मुझे। मैं ये भी नहीं देख पाया कि मेरे परिवार के साथ जुल्म हुआ था। सबके सब मरेंगे। कौन है वो? बताइए बताइए पापा, बताइए किस किस को मारना है। मॉस, मैं जानता हूं इस सब के पीछे किसका हाथ है। उस कमीने कमल राजपूत का। सही कहा ना? तब तो उसने तुझे ये भी बताया होगा कि कैसे मैंने तेरे परिवार की लाश पर इस बड़े साम्राज्य की शुरुआत की। मेरा एक उसूल है कि मैं अपना कोई भी काम बाकी नहीं रखता। उस दिन उस बच्ची की वजह से तू मेरे हाथों से बच गया, वरना उसी दिन मार देता। शायद तुझे पता नहीं है कि तेरा सारा परिवार मेरे बागीचे में दफन है। अब तो शायद उनकी हड्डियां भी जमीन में गल गई होंगी। तू उनसे मिलना नहीं चाहता क्या? चलो मैं तुम्हें उनके पास पहुंचा देता हूँ। क्या हुआ? ए, यहाँ नहीं, बागीचे में ले चलो। सर, हाँ, सबको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है लेकिन हमें मास कहीं भी नहीं मिला। मुझे कुछ नहीं सुनना, मास मुझे जिंदा चाहिए। उसके पास कुछ खास पेपर्स हैं। आरके, हाँ, तुम जाओ। गुड मॉर्निंग। भरत को क्या हुआ था? भरत खदान में लगी एक फायर एक्सीडेंट में मारा गया। एक ब्लास्ट हुआ और बस। मैं सब जानता हूँ। जब हम इंडिया से बाहर गए थे एंथनी और भरत तभी मारे गए और वो दोनों ही कंटेनर के बारे में जानते थे। इलेक्शन सर पर है आरके, और मुझे 48 घंटे के अंदर वो पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं मिले तो तुम समझदार हो, हमारी फ्रेंडशिप के लिए इतना तो कर ही सकते हो। आ जाओ।
जेटली मास मास जेटली लेटे रहो मास मास उठो मत मास मैं यही हूँ मास प्लीज लेटे रहो पापा कहाँ है मैं यही हूँ मास मास पापा पापा नजर नहीं आ रहे माननी मैं उन्हें देख नहीं पा रहा जेटली मैं यही तो हूँ किससे बात कर रहे हो यहाँ तो कोई भी नहीं है माननी वो यही है मास मेरी बात सुनो मैं उन्हें देख पाता था मास तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो छोड़ो छोड़ो मुझे मुझे देख रहे हो पापा पापा मैं सच कह रहा हूँ वो सब ठीक खड़े हैं लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ पापा जेटली कहाँ हो तुम मैं सुन रहा हूँ मैं देख नहीं पा रहा हूँ श्रीपति श्रीपति कहाँ है अब उसमें घर ही हूँ मास्टर नहीं हूँ मुझे अब आप वो नजर क्यों नहीं आ रहे मुझे यहाँ कोई नहीं है क्यों नहीं देख पा रहा हूँ यही कहीं है जेटली कहाँ हो तुम सब पापा रिलैक्स मास मास देख क्यों नहीं पा रहा है देख नहीं पा रहा उसकी शक्ति चली गई अब वो हमें नहीं देख पाएगा वो हमेशा मेरे साथ होते थे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है उस एक्सीडेंट की वजह से मास अपनी शक्ति खो बैठा है वो कहाँ है माननी सब ठीक हो जाएगा मास पापा रिलैक्स मास जेटली मैंने सबकी आखिरी इच्छा पूरी कर दी लेकिन तुझसे तो पूछा ही नहीं तेरी आखिरी इच्छा क्या है मेरी ऐसी कोई खास इच्छा नहीं है लेकिन एक चीज चाहता हूँ कि मैं तेरे बॉडी के अंदर घुसकर हमेशा गुदगुदी करता रहूं तुझे दूंगा एक अबे रुक पागल जेटली कहाँ है तू यहीं कहीं है ना एक दिन तूने कहा था तेरा दोस्त मर गया और तुझे दुख भी नहीं होता अब बहुत दुख हो रहा है अकेला पड़ गया हूं पापा कहा आपको जानने से पहले ही आपको खो दिया मास कुछ नहीं मेरी बात सुनो मास 750 करोड़ यही है तुम और माननी इसे ले जाओ और सुकून की जिंदगी जियो मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों को कुछ हो तुम्हारे पिता भी यही चाहते थे हाँ, वो ऐसा नहीं चाहते क्यों पापा मैं सही कह रहा हूं ना हाँ, वो लोग जरूर मरेंगे पापा हाँ? मैं खुद मारूंगा उसे देखा आपने मैं कहानी खत्म करूंगा पापा भी यही चाहते हैं। नहीं मास एंथनी आरके और वो कमिश्नर उन तीनों को मारने के लिए ही मैं जेल से भागा था भरत और एंथनी को तो तुमने मार दिया अब बस बिना जाने उन्हें मारा था सर ऊपर से अपने पापा से उनके लिए लड़ाई की मैंने अपने पापा पर चिल्लाया उनसे जाने को कहा अब जान कर मारूंगा मैं ही मारूंगा उस दिन उस बच्ची की वजह से तू मेरे हाथों से बच गया वरना उसी दिन मार देता शायद तुझे पता नहीं है कि तेरा सारा परिवार मेरे बागीचे में दफन है अब तो शायद उनकी हड्डियां भी जमीन में गल गई होंगी तू उनसे मिलना नहीं चाहती आरके एक बात समझ लो अगर ये रिकॉर्डिंग मीडिया को मिल गई तो तुम बर्बाद हो जाओगे अगर तुम कहो तो इस ऑडियो को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ लेकिन उसके बदले में मुझे कह दोगे तुम मैं 200 करोड़ दूंगा मुझे मास चाहिए मुझे उसे डॉक्यूमेंट्स वापस लेने और इस साउंड की ओरिजिनल कॉपी भी प्लान तैयार है मैं उस मास के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे सामने पेश करूंगा डन सर चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो चुका कमल राजपूत इसे अंदर डालो और ध्यान रखना वापस भागने न पाए मैंने कमल को गिरफ्तार कर लिया यार के पर मास नहीं मिला डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं कृष्णापट्टनम पोर्ट पर आंध्र प्रदेश में सर नरेश को सब बता दिया है हेलो नरेश चलो कंटेनर खोलो हाँ चलो
आगे खींचो खींचो से। में से जो जिंदा रहना चाहता है वो अभी यहाँ से चला जाए। हमारे इलाके में हमें धमका रहा है। पैसे कहाँ हैं? तुझसे किसने कहा बे कि मैं अकेले आया हूँ? हे, पकड़ो उसे। हे, हमें जादू दिखा रहा है? हमारा पैसा कहाँ है? इसे मारना नहीं, पैसे लेने। बोल नहीं तो मरेगा। मेरा काम खत्म, अब अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके बांट लो। यह है 750 करोड़। ठीक है तो डील ओके। अब मुझे क्या करना होगा? उसे यकीन दिलाने के लिए सबसे पहले कमल को अरेस्ट करना होगा। इससे भी ज्यादा मैं तुझे दूंगा। सॉरी आरके, तुम्हारी डील अच्छी थी पर मास तुमसे पहले आया था। अब तुझमें इंसानियत जा गई। किसने कहा मुझमें इंसानियत है? रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। चल इसका पापड़ बना देते हैं। ये लोग दरवाजा चोरी कर रहे हैं। दरवाजा कहाँ ले जा रहे हो? अरे ये देख, ये भी अपने को देख पा रहे हैं। सर मैं हूँ श्रीपति, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। इसकी बात मत सुनिए सर। क्या बात है सर? आज से मैं आपका राइट हैंड। एडिशनल हाथ किस काम का? खाने और धोने के काम आऊंगा ना। अरे बहुत अच्छा हंसा साले। सर सर आपसे एक जरूरी बात करनी थी। ये दोनों कहाँ गायब हो गए? कहाँ हो तुम लोग? नहीं भी जाए मुझे क्या, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए सारी जनता। ये क्या, ये तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया यार। सही बोला यार। जड़ी। मैं मारूंगा कहा था ना, आप आराम से बैठकर देखिए। चल। हाँ।
bring the beat back. तूफान से आया मां से आंधी से आया मां से तूफान से आया मां से है सबसे हटके मां से आंधी से आया मां से है गरजे बरसे मां से खुशियां लाया मां से है सबका सपना मां से है हाथों में जादू सोना बनाए लोहा से And the award goes to Rolling action. एक मिनट. उसकी बात मान लो, उसमें ही भलाई है. घूर क्या रहा है? चश्मा निकाल, निकाल. क्लिक. तुम गोवा में बस यार. अरे थोड़ा और. और कितने टेक करोगे सूर्या? एक और टेक करते हैं. तूफान से आया माँ से है सबसे हटके माँ से आंधी से आया माँ से है गरजे बरसे माँ से खुशियाँ लाया माँ से है सबका सपना माँ से है हाथों में जादू सोना बनाए लोहा से आया मासे